दो आज हम हिंदी क्लास में हिंदी बुक पढ़ेंगे सभी अपने हिंदी बुक निकालो और देखो पेज नंबर 35 पेज नंबर 35 को जिन तो हमने ये लेसन पढ़ा था ना गुड़िया मैजूटी मैंने पढ़ा भी और उसके बाद आपको समझाया भी तो आज हम करने वाले हैं प्रश्न उत्तर कुछ प्रश्न उत्तर दिया हुआ है बुक में तो हम ये करेंगे पेज नंबर 35 ठीक है सभी अपना बुक निकालो और ये पेज नंबर निकालो पहला प्रश्न है नंबर वन बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए एक शब्द में उत्तर देना एक शब्द मतलब वन वर्ड जिसमें वन वर्ड में लिखना है पहला कौन में पूछा गया है मधु की बड़ी बहन कौन थी मधु की बड़ी बहन कौन थी याद है आपको मधु की बड़ी बहन कौन थी सुमन सुमन थी कि नहीं मधु की बड़ी बहन तो आपको यहाँ में कौ में क्या लिखना है सुमन ठीक है मैं ब्लैकबोर्ड में लिखा रही हूँ आप अच्छी तरह से देख लो कछुआ में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ टिक मार्क
नंबर सेकंड क्या है सुराही, इसे क्या कहते हैं सुराही कहते हैं, फूल कहते हैं या पुजारी कहते हैं, इस चित्र को देखो और इसे हम क्या कहते हैं सुराही कहते हैं, तो सुराही में आपको टिक मार्क देना है ठीक है। और ये किसका चित्र है गुलाब का, ये किसका चित्र है मोती का चित्र है, मुकुट का या गुलाब का, ये चित्र है गुलाब का, किसका चित्र है गुलाब। फिर ये है चित्र किसका गुड़िया चूहिया गुड़िया, किसका चित्र है ये चूहिया, तो चूहे में आप चूहिया में आप इस तरह से टिक मार्क करोगे ठीक है। तो मैंने ये पेज आज आपको किया, ये आपको पेज मैंने क्वेश्चन पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन 1, 2, 3 मैंने कराया, तो आपको क्या करना है अपने हिंदी बुक में जिस तरह से मैंने कराया उसी तरह से आपको हिंदी बुक में इस पेज को करना है, करने के बाद इस पेज का फोटो क्लिक करके मेरे नंबर में भेजना है ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट पेज देखो, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36 में हम गुनगुनाएंगे मतलब गाना गाएंगे, गुनगुनाएंगे बुलबुल, बुलबुल ये कविता का नाम है बुलबुल, तो ये कविता को हम पढ़ने वाले हैं अभी और मेरे साथ आपको भी पढ़ना है ठीक है। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, सभी अपना बुक निकालो और पेज नंबर 36 देखो, मैं यहाँ में रीड कर रही हूँ आपको भी रीड करने मेरे साथ लाइन मिला मिला के। सुबह सुबह एक बुलबुल आती गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती गाकर सबका दिल बहलाती, बुलबुल मीठा गाना गाओ मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन मुनमुन चुनमुन आकर सुन। देखो इस पेज में आप लोग देखो यहाँ में एक चित्र दिया है जहाँ में पेड़ है और पेड़ में कौन बैठी है बुलबुल, कौन बैठी है बुलबुल। तो सुबह सुबह बुलबुल क्या करती है, सुबह सुबह बुलबुल गाना गाती है, गुनगुनाती गीत सुनाती है, सुबह सुबह बुलबुल गाना गाती है अपने मधुर आवाज में, बुलबुल अपने मधुर आवाज में गाना गाती है, फिर गाकर सबका दिल बहलाती और उसका गाना सुनकर बुलबुल का गाना सुनकर सबका दिल बहल जाता है। बुलबुल मीठा गाना गाओ, बुलबुल को ये बच्चे कह रहे हैं कि बुलबुल तुम क्या करो अपने मधुर आवाज से मीठा गाना गाओ, फिर कितनी मीठी उसकी धुन, और बुलबुल का जो धुन है गाना गाने का बहुत मीठी है मतलब बहुत सुरीला है, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। फिर ये कह रहे हैं कि मुनमुन चुनमुन तुम आओ और बुलबुल को देखो, बुलबुल गाना गा रही है और मुनमुन चुनमुन को वो बुलबुल का गाना गाना सुनने के लिए बुलाती है ठीक है। तो जिस तरह से मैंने ये बुलबुल बुलबुल कविता को रीड किया, आपको भी अपने घर में अपने मम्मी पापा का हेल्प करके और मैंने किस तरह से रीड किया इसको देख के